हम शुरू कर रहे हैं आज के सेशन, और आज के सेशन में हम बीबीए के दो प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, दो प्रोजेक्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है एक फाइल एंड फोल्डर बनाएंगे। तो क्या है कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के अंदर में हमें क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर में मुझे डेटा डाउनलोड करना हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब डेटा हम डाउनलोड करते हैं तो डेटा डाउनलोड होते समय एक फाइल की तरह डाउनलोड नहीं होता है, मुझे एक लोकेशन देना पड़ता है, एक फाइल देना पड़ता है, तब वो सॉफ्टवेयर मेरा डाउनलोड होता है। ठीक है सर? ये सब रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो यहाँ वही चीज आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि एक ड्राइव में जाए, जैसे कि मैंने डी ड्राइव में गया, या ई डी ड्राइव में मान लीजिए गया। डी डी ड्राइव के अंदर आज मंथ ईयर चल रहा है 2022, तो इंसर्ट करेगा फोल्डर, उसका नेम रखेगा 2022। अब इस डी ड्राइव के अंदर जाएगा और महीना चल रहा है 11वां महीना, तो राइट क्लिक करके नवंबर या 11वें महीने का यहाँ पे डालेगा। फिर इसके अंदर 11वें महीने के फोल्डर को ओपन करेगा, और इसके अंदर न्यू पे जाएगा, एक और फोल्डर क्रिएट करेगा, और इसका नाम डालेगा, आज का डेट है 12 तारीख, तो 12 तारीख डालेगा। और फिर इसके अंदर जाएगा और एक फाइल बनाएगा एक्सेल की, और एक्सेल की फाइल का जो नाम है, इस नाम को रखेगा 12 नवंबर 2022। तो मुझे ये करना है, ठीक है? तो चलिए हम इसी चीज को वीवी प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको कि करना क्या है? जी तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को लिखते हैं। विजुअल स्पेस पे जाते हैं और यहाँ पे हम इंसर्ट मॉड्यूल और इसको डुअल स्क्रीन कर लेते हैं। विंडो 11 में फीचर्स है डुअल स्क्रीन। मैं एक माइक्रो देता हूँ, सब्जेक्ट आर आर ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपनी सिस्टम डेट को हम कैसे लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया वाई इक्वल टू डेट, तो डेट में सिस्टम डेट आ जाएगा वाई के, लेकिन मुझे सिस्टम डेट का ईयर चाहिए, तो वाई ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो सिस्टम डेट का ईयर इसके अंदर आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे एम करूँ और एम में मैं यहाँ पे दूँ आपको मंथ, और मंथ में मैं वापस डेट देता हूँ, तो ये आप देखेंगे कि मंथ आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड अगेन डी डी में हमने दिया ई आपका डे, और डे डालते ही आपका यहाँ पे सॉरी डेट होगा,
यहां पे डे आया, तो मैंने यहां पे क्या किया, तो यहां पे ध्यान से देखिए, तो हमने वीवीए के तीन लाइन की कोड लिखी है, हमने लिखा ईयर डेट। डेट क्या है, डेट सिस्टम डेट लेता है, आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम डेट है वो सिस्टम डेट लेता है, उसमें से ईयर को उठा के वाई पे डालते हैं। अब वाई क्या है, वाई एक वेरिएबल है, जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग एक्स वाई जेड लेते हैं, उसी तरह से हमने वाई ले लिया। अब ईयर 2022 वाई पे स्टोर हो गया, मुझे जहां भी 22 चाहिए वहां पे हम वाई ले लेंगे। सेम इसी तरह से मंथ और सेम इसी तरह से डेट, लेकिन मुझे डेट चाहिए क्योंकि मुझे फाइल को डेट नेम में सेव करना है, और डिफॉल्ट जो है डेट कुछ इस तरह से होते हैं जो कि फाइल नेम के लिए सुटेबल नहीं होते, क्योंकि सिस्टम फाइल नेम लेगा ही नहीं, ध्यान रखिएगा स्लैश कभी भी फाइल नेम में नहीं होता है। तो उस केस में हम यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं डीटी, और यहाँ देते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट फॉर्मूला जो कि एक्सेल के टेक्स्ट फॉर्मूले की तरह होता है, और यहाँ पे मैंने दे दिया डीटी स्लैश दो दी स्लैश एमएमएम स्लैश वाई वाई, तो ये आपका सिस्टम का डेट निकाल के डीडी पे डाल दे। ओके, अब वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम किसी फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए आप यहां डालना होगा MKDIR, इसको बोलते हैं मेक डायरेक्टरी, और यहां पे अपना देना होगा कि किस ड्राइव के अंदर किस नाम से फोल्डर चाहिए। तो मैं डी ड्राइव में 2022 का फोल्डर चाहता हूँ, बट मैं 2022 मैनुअल नहीं लिखना चाहता हूँ, यहाँ जो फॉर्मूलेस आया हुआ है उसको लेना चाहता हूँ। तो 2022 को यहाँ पे हमने एंड किया और यहाँ पे हमने वाई कर दिया, तो ये आपका 2022 का फोल्डर बना देगा। फिर मुझे 2022 के अंदर 11 नाम का फोल्डर बनाना है, तो सेम मेक डायरेक्टरी, क्योंकि एक बार में आप एक ही फोल्डर बना सकते हैं। तो यहां पे हमने दिया वाई, अगेन दिया मैंने यहाँ पे स्लैश, और फिर हमने कर दिया यहाँ पे डी, तो दो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम जो है अपना एंड परसेंट, इसके अंदर हम स्लैश करते हैं, और अपना डी नहीं होगा यहाँ पे, एम होगा ना ऊपर, यहाँ 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 एम होगा, तो फोल्डर बना। तो वन बाय वन ये आपका तीन फोल्डर बना देगा। अब मुझे इस लोकेशन, सॉरी ये एम होगा यहाँ पे, और यहाँ भी एम तो होगा, पहले यहाँ एम भी एम। आएगा फिर। अब मुझे इसके अंदर अपना फाइल बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी फाइल को क्रिएट करके सेव करने के लिए हम कोड डालते हैं यहाँ पे कि वर्क, यहाँ देखिएगा बुक, बुक्स होगा डॉट एड डॉट सेव एज, और यहां ड्राइव हो गया कि डी ड्राइव के अंदर एन परसेंट वाई फोल्डर के अंदर, फिर वाई फोल्डर के अंदर वाई एक वेरिएबल है, एम फोल्डर एन के अंदर स्लैश देते हैं यहाँ पे डी, और डी के अंदर, और इसके अंदर हमने डाल दिया डी टी इज द फाइल नेम, फिर एंड यहां पे डालते हैं डॉट एक्सेलस एक्स। ओके सर, तो आपका फाइल बिल्कुल सेव हो जाएगा। तो यहां पे हमने फाइल को सेव कर लिया, और फाइल सेव हुई है तो उसको क्लोज भी तो करना है, तो किसी फाइल को क्लोज करने के, अब जो फाइल ऐड हुई है उसी को क्लोज करना है, तो सिंपल सा लिखेंगे कोड एक्टिव वर्क बुक्स डॉट, बुक्स नहीं होगा सिर्फ बुक होगा, कोई एक्टिव वर्कबुक होता है नॉर्मली वर्कबुक्स होता है डॉट क्लोज, और फाइल को सेव करते हुए क्लोज करना है, तो हमने लिख दिया ट्रू। क्लियर है? अब इस प्रोग्रामिंग को चलिए चेक करते हैं, लेकिन चेक करने से पहले ध्यान रखिएगा कि मैं एक बार पहले से बनी हुई फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, हालांकि डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जो एक कोड में हम चेंज कर देंगे। अब मैं इस मैक्रो को रन करता
तो हमने एक कोडिंग बनाई है, अब इस कोडिंग को हम टेस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या करेगा, ए आपका एक फोल्डर बनाएगा 2022 के नाम से, 2000 इसके डी ड्राइव में 2022 के अंदर ए फोल्डर बनाएगा आपको 11 नंबर से, 11 के अंदर 12, आज का डेट 12 है उसके बनाएगा, उसके अंदर एक फाइल को सेव करेगा, क्रिएट करके सेव करेगा उसके नेम से, जो नेम मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है मतलब कि करेंट सिस्टम डेट से। तो मैं इसको एक बार रन किया, रन करते ही थोड़ा देर की स्क्रीन हिला और फिर ओके हो गया। हमने मैसेज बॉक्स में कंफर्मेशन वगैरह नहीं डाला था, वरना कंफर्मेशन डाल देंगे तो भी वर्क करेगा। अब यहाँ देखिए 2022 के अंदर 11 दिन, आज 11वां महीना चला है नवंबर, उसके अंदर आज तारीख 12 है और 12 के अंदर इसने 12 नवंबर को डाल दिया। परफेक्ट है सर? यस सर। अभी जो प्रोग्रामिंग आपके सामने में लिखा है मैंने, इस प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा। एरर क्या दिया, फाइल पाथ एक्सेस एरर, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ मेक डायरेक्टरी में 2022 नाम के फोल्डर, 2022 जो कि यहाँ ईयर से फॉर्मूले से आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक नाम के दो फाइल नहीं बन सकते या फोल्डर नहीं बन सकते। तो मुझे जो फाइल फोल्डर है उसको नहीं बनाना है और जो नहीं है उस पर बनाना है। तो सिंपल सा हम यहां पे एक लाइन का कोड लिखेंगे कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो जिस लाइन में एरर होगा उसको वो स्किप करके अगले लाइन पे चला जाएगा और अगले लाइन पे परफॉर्म कर देगा। तो कहीं भी आपको लगे कि एरर आ रहा है और एरर जेन्युइन है, सिचुएशन होगी तो एरर होगा ही होगा, तो उस केस में उसको स्किप करने का कोड डाल सकते हैं। क्लियर सर? हाँ सर। कोई डाउट इसमें? तो मतलब सर ये एरर आएगा तो वो डेट छोड़ के वो नेक्स्ट डेट लेके जाएगा ना फिर? हाँ मतलब उस लाइन को स्किप कर देगा और दूसरे लाइन में वर्क करेगा। इसको स्किप कर दिया फिर इस पे वर्क करेगा, इसको इसके एरर होगा तो इसमें स्किप करेगा, इसको वर्क करेगा। क्लियर है सर? अभी डेट डेट कौन सा लेगा, मतलब आज का ही डेट लेगा ना? हाँ आज ही का डेट लेगा सर। ओके। इसमें कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? मनीष जी? नहीं नहीं सर। अब चलिए दूसरी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। अब मेरा एक प्रोजेक्ट ये है कि मुझे काम तो सेम ऐसा ही करना है, जो आपका प्रोजेक्ट नंबर वन जो किया है वैसा ही काम मुझे करना है कि 2022 के अंदर, अच्छा डी ड्राइव में 2022 फोल्डर के अंदर मुझे, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे 365 शीट चाहिए। क्या चाहिए? 365 शीट चाहिए, समझे? तो 365 सीट चाहिए लेकिन 12 अलग अलग फाइलों में। मैं क्या करूं कि यहां पे राइट क्लिक करूं और न्यू पे जाके मैं यहां पे एक फाइल बनाऊं एक्सेल की, उसका नाम डालूं जैन, और इसके अंदर जब ओपन करूं, ओपन करने के बाद इसमें फिर मैं सीट ऐड करूं 31 और हर सीट का नाम यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 to 31 करो। फिर फरवरी का फाइल बनाओ, फिर फरवरी के फाइल के अंदर सेम उसी तरह से 28 शीट 29 शीट ऐड करो, ऐसे ही मार्च का फाइल बनाओ, इसी तरह से 12 फाइल, एक साल का 12 महीने का 12 फाइल और 365 दिन के लिए 365 शीट मैं ऐड करना चाहता हूँ। क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है? यस। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग यहां करते हैं, ठीक है? तो एक नई वर्कबुक ऐड करने का कोड होता है workbooks.add और उसी को सेव कर देना है, तो सेव एज। अब सेव एज कहां करना है, तो मुझे करना है डी ड्राइव के अंदर 2022 फोल्डर के अंदर, नाम जो देना है उसको करना है 1
डॉट एक्सएलएस, तो A1 डॉट एक्सएलएस नाम का फाइल ऐड हो जाएगा। उसी फाइल को आपको क्लोज करना है, तो यहां पे लिख देंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू। ओके, यहां हम इस तरह की कोड लिखते हैं। लेकिन मुझे 12 फाइलें बनानी है, तो 12 फाइलों को 12 बार इस तरह से फिर नाम को 1 2 3 4 करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करें। अब लूप क्या होता है समझते हैं, चलिए उसको एक अलग माइक्रो। जैसे हमने यहां पे कोड डाला एमएसजी, यहां पे एमएसजी बॉक्स, और यहां पे लिखा मैंने आईपीटी एक्सेल स्कोर। तो ये क्या करेगा, मुझे एक एक मैसेज पॉपअप करेगा जब मैं इसको रन करूंगा, तो मुझे इस तरह का एक आईपीटी एक्सेल स्कूल का मैसेज पॉपअप करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं इसको 3 बार करना, तो क्या हम इसको 3 बार रिपीट करें इस तरह से लाइन बाय लाइन इस तरह से, तो प्रॉब्लम होगी। ऐसे 30 करना है 33 करना है तो दिक्कत होगी। तो यहां पे मुझे एक ही लाइन को कई बार रिपीट कराना है और उस लाइन को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, तो यहां हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। हम लिखेंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 3, और फिर यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। हम इसको रन करेंगे तो ये 3 बार प्ले होगा। ए यहां पे देखे 1, फिर आया 2, फिर आया 3। समझे सर? तो 3 बार इसने इसको क्या किया, प्ले किया। अब इसमें आई का रोल क्या है, आई एक काउंटर है। अगर मैं इसी के साथ कॉन्केट कर दूं आई, तो आप देख जब मैं अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको आईपीटी इसका स्कूल 1 दिख रहा है, यहां पे 1, फिर करेंगे 2, यहां 2 दिख रहा है, फिर करेंगे 3, तो यहां 3 दिखेगा। ठीक है, तो हम सेम इसी तरह से इस कोड को लूप में डाल देते हैं कि 4 आई इक्वल टू चले 1 2 12, और फिर मैंने यहां पे कर दिया नेक्स्ट आई। ठीक है सर? और यहां नाम मुझे भी ऑटोमेटेड करना है, तो आई कर दिया, और आई आई को इसको तोड़ के कॉन्केट करके आई ले लिया। ठीक है सर? अब मैं रन करूंगा तो ये 12 फाइल बना देगा, और एक क्लोज को भी, क्लोज को भी मुझे इसी के अंदर डालना होगा। 12 फाइल बनाएगा, उसको क्लोज करेगा, क्लोज का नहीं देंगे ना तो 12 फाइल नीचे ओपन रहेगा। ठीक है, अब मेरे कोड में यहां आई है, आई क्या है, 4 आई लगा हुआ, इसलिए 1 2 3 4 5 में 12 नंबर देगा। बट मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे मंथ नेम चाहिए, जैन फेब मार्च इस तरह से। तो वीवीए के अंदर में फॉर्मूला होता है एक मंथ नेम का, मंथ नेम में आप सीक्वेंस दे दे, और यहां पे मैं कर देता हूं ट्रू, तो क्या होगा कि वो 1 को जनवरी, 2 को फरवरी, मार्च कर देगा। अब ये माइक्रो क्या करेगा कि एक बार में 12 फाइल बना के मुझे देगा। से यहां पे सेम एज होगा, माफ कीजिएगा, 12 फाइलें बना के मुझे देगा एक सिंगल क्लिक के ऊपर। और आप देखेंगे इसके जिस फोल्डर में बना रहा है उस फोल्डर में जैन फेब मार्च के नाम से बन रहा है, और कुछ ही सेकेंड्स में 12 फाइलें बना देगा। हमने स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स नहीं किया, बना ये जो स्क्रीन हिल रहा है ये भी नहीं हिलता। हो गया? अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर शीट्स ऐड हो, तो शीट्स ऐड करके कैसे हो, तो एक बार में कई सारे शीट्स ऐड करना चाहता हूं मैं। तो यहां पे कोड होगा, आप यहां देखिए मैं कोड लिख रहा हूं शीट्स डॉट ऐड, उसके बाद जब स्पेस देते हैं तो यहां पे बिफोर आफ्टर और लास्ट में होता है काउंट, तो काउंट में मैंने 31 कर दिया फिलहाल मान। लेकिन 31 ही एग्जैक्ट शीट चाहिए, तो जब सी फाइल जब ऊपर में ऐड होगा तो पहले से कुछ ना कुछ शीट्स होते हैं ना, तो यहां पे हम कर देंगे शीट्स डॉट काउंट, मतलब जितने शीट्स है उसको आप
माइनस कर दो। और फिर उस सीट को एक एक करके मुझे रिनेम करना है, तो मैं एक और लूप लगाऊंगा कि 4j इक्वल टू चले 1 to 31, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट जे कर दिया, और यहाँ हम दे देंगे शीट्स, और शीट्स के अंदर आपका जे डॉट नेम, अब अपना नेम डाल दीजिए जो डालना है आपको, ठीक है ना। तो 1 to 3 करना है तो 1 to 3 दे दीजिए, या डेटा 1 to 3 करना है तो आप इसके साथ कंबाइन कर दीजिए जे को, तो आपको डेटा 1 to 3 कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 31 शीट ही कर रहा है ना, उससे ज्यादा तो नहीं कर रहा, उससे नहीं कर रहा, लेकिन मुझे सीट्स के नेम जो सीट्स जो है वो तो मंथ के हिसाब से मेरा होना चाहिए, क्या सर? तो मेरे पास क्या है, सिर्फ मंथ है, मंथ है, वो भी सीक्वेंस नंबर जो कि आई दे रहा है 1 2 3 में। तो एक्सेल में एक डेट का फॉर्मूला होता है जो कि मैंने यहां पे लिख दिया ईयर 2022, हमने सेलेक्ट कर लिया मंथ 1 और डे हमने सेलेक्ट कर लिया 1, तो एक डेट बना देता है। फिर यहाँ ईओ मंथ उस डेट को सिलेक्ट करके 0 कर दूं तो मुझे लास्ट डेट दे देता है, और फिर डे का फॉर्मूला मेरा 31 दे देगा। तो अब क्या हुआ कि मैं यहाँ 1 करूंगा तो 1, 2 करूंगा तो देखिए 28 आएगा, 3 करूंगा तो मार्च आएगा। अब इसी कंसेप्ट को हम अपना वीवी प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे डी नाम का वेरिएबल दिया, इसमें मैंने अब डेट फॉर्मूला तो सिस्टम डेट देता है, तो वीवी में होता है डेट सीरियल, डेट सीरियल, डेट सीरियल में 2022 डाल दिया, मंथ में मैंने आई डाल दिया, और डेट हमारा 1 तो है ही, तो एक डेट दे देगा। फिर यहाँ अब प्रॉब्लम है कि ईओ मंथ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ईओ मंथ वीवीए में सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए कि जो फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करे उसको क्या कीजिए, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ और डी कॉमा 0 कर दिया, तो ये लास्ट डेट दे देगा। अब मुझे इसका 31 चाहिए, इसी का आगे डे लगा देता हूँ, क्योंकि डे वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करता है। कैसे पता चला, लगाते ही नीचे एक्सप्रेशन आ गया, तो डेट आ गया। अब जहां जहां 31 है ना, वहां वहां हमें जस्ट डी कर देना है, क्या कर देना है, डी, सिंपल सा, क्लियर है जी, कोई डाउट इसमें? अब इसको रन करेंगे तो फोल्डर के अंदर 12 फाइलों के अंदर आपके 365 शीट्स बना के दे देगा। और मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत काफी है, एक रिकॉर्डिंग आप लोगों ने कर ही लिया है, इसकी कोड मैं आपको भेज देता हूँ। सर वो अगर वो स्क्रीन नहीं है तो उसके लिए कौन सा बताया था आपने फॉर्मूला, स्क्रीन अपडेटिंग, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, कीजिए, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा।